देश में तेल गैस के एक्सप्लोरेशन और उत्पादन का तरीका हाईटेक हो गया है। सरकार ने नेशनल डेटा रिपोजिटरी लॉन्च कर दिया है और इस कोशिश के तहत समुद्र के गर्भ में छिपे अतः तकनीक और उपयोगी आंकड़ों को इकट्ठा कर उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा ताकि इसका इस्तेमाल भविष्य की परियोजनाओं के लिए किया जा सके। इस डेटा कलेक्शन के बाद भारत एक ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग सिस्टम में कदम रखेगा जहां कंपनियां खुद उन समुद्री क्षेत्रों को चुन सकेंगी जिसका वो एक्सप्लोरेशन करना चाहती हैं। फिलहाल सरकार किस क्षेत्र को चुनौती है और लाइसेंस के लिए बोली मंगाती है। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत कंपनियां एनडीआर से मौजूद उत्पादन और एक्सप्लोरेशन करने वाले क्षेत्रों के साथ साथ उन क्षेत्रों की जानकारियां भी हासिल कर सकती हैं जिन पर अभी एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा। कंपनियां चाहें तो बिना लाइसेंस खाली क्षेत्रों का चयन कर उनके एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए सरकार के सामने अपनी इच्छा जता सकती है। जब ऐसे किसी क्षेत्र का चयन हो जाएगा तब सरकार उसके लिए बोलियां मंगाएंगी और जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा तेल गैस उत्पादन का दावा करेगी ये क्षेत्र उसको दे दिया जाएगा। एनडीआर की खूबी है कि इसके सभी डेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मिलेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने आज संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। देखिए, नामांकन दाखिल करने के दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के 17 दलों के नेता मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर जरूर सवाल खड़े हुए। देखिए, सोनिया गांधी जी खुद यहाँ पे आए हैं और मैं समझता हूँ पार्टी की तरफ से सारे मुख्यमंत्री पंजाब से, हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, वीरभद्र सिंह जी, नारायण स्वामी जी और सभी हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैं समझता हूँ पार्टी की तरफ से पूरी इस मसले के लिए पूरा समर्थन जाना चाहिए। वो भी महसूस करते होंगे कि उनको जाना चाहिए था और आजकल वो विदेश में है, हो सकता है किसी खास वजह से वो ना आ पाए हों, वरना अगर वो कोई अड़चन नहीं होती तो वो अवश्य यहाँ पर आते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर मीरा कुमार की तारीफ की। नामांकन दाखिल करने से पहले मीरा कुमार बापू की समाधि स्थल पर गईं और श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे बड़े नेताओं ने मीरा कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा और उनके नामांकन का समर्थन किया। एक ओर का रास्ता हमें ले जाता है और जहां संकीर्णता है, तंग दिली है, दूसरा रास्ता हमें ले जाता है उस तरफ जहां जो दलित हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, मजलूम हैं, महिलाएं हैं और इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के जो लोग हैं उनकी गरिमा, उनके अधिकार, उनके विकास की हम बात करें। मीरा कुमार के नामांकन के दौरान मौजूद सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि एनडीए के खिलाफ ये वैचारिक लड़ाई है। ये लड़ाई वैचारिक है और इसके अंदर सीधा सीधा हम ये कहना चाहते हैं जो भी इस संविधान को बचाते हुए इसको मजबूत करना चाहता है वो खड़े हमारे साथ, जो इसको कमजोर करना चाहता है, इस बुनियाद को और कमजोर करना चाहते हैं वो खड़े हैं हमारे खिलाफ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 17 जुलाई को होगी। चुनाव के बाद काउंटिंग 20 जुलाई को कराई जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।